बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच शनिवार 18 नवंबर से होना है, जहां इंग्लैंड टीम इस मैच को जीत सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं भारतीय टीम ये मैच जीत सीरीज में अपनी उम्मीदों को कायम रखने के इरादे से उतरेगी। दोनों ही टीमें तीसरे मैच की तैयारियों में जुटी है। बहरहाल तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह ने हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पर बड़ा बयान दिया है। टीम इंडिया के टर्बिनेटर ने पांड्या को लेकर कहा कि उनके नाम के आगे से ऑलराउंडर का टाइटल हटा देना चाहिए। हरभजन ने कहा, बल्लेबाज के तौर पर पांड्या ज्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं और कप्तान को उनकी गेंदबाजी पर अधिक भरोसा नहीं है। यदि हार्दिक इस तरह की कंडीशन में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते तो उनके और भारतीय टीम के लिए भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टीम इंडिया के इस दिग्गज गेंदबाज ने पांड्या की तुलना इंग्लैंड टीम के सैम कुरेन, बेन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स से करते हुए कहा कि एक तरफ जहां ये तीनों अपनी टीम को अपने प्रदर्शन से जिता रहे हैं, तो वहीं पांड्या कुछ भी खास नहीं कर पा रहे हैं। हमें हार्दिक के नाम के आगे से ऑलराउंडर का टैग हटाना होगा। ऑलराउंडर खेल के दोनों विभागों में योगदान देता है, जैसा कि स्टॉक्स और कुरेन ने पहले टेस्ट और क्रिस बॉक्स ने लॉर्ड्स के दूसरे टेस्ट मैच में किया। इसी तरह की उम्मीद हार्दिक पांड्या से की जा रही थी। वे रातों रात ही कपिल देव नहीं बन सकते। आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ अब तक हुए दोनों टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा उनसे उम्मीद की जाती है। पांड्या ने दो टेस्ट मैचों की 4 पारी मिलाकर कुल 90 रन बनाए, तो वहीं इन 4 पारियों में कुल 3 विकेट ही चटकाए हैं। ऐसे में पांड्या को अगर तीसरे मैच में प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो उन्हें बेहतर प्रदर्शन कर उन पर उठ रहे सवालों का जवाब देना होगा। बहरहाल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में इस शनिवार से खेला जाएगा।